नमस्ते दोस्तों, आपका स्वागत है हमारे नए एपिसोड पर, जहां हम आपको दुनिया के सुंदर स्थलों का सफर कराते हैं। आप भी हमारे साथ जुड़े, हमारे साथ सफर करें और इस खोज के रंगों से अपने जीवन को और भी रंगीन बनाएं। उंगली को आमंत्रित करना, उंगलुज, जिसे अक्सर सऊदी मालदीव के नाम से जाना जाता है, अविस्मरणीय छुट्टियों के लिए एक लोकप्रिय स्थान है। सूरज के नीचे डॉल्फिन के साथ नाव दौड़, धूप सेंकना, तैराकी और सूर्यास्त का पीछा करना समय बिताने के बेहतरीन तरीके हैं। हालांकि उंगलुज अपने उच्च गुणवत्ता वाले आम, अमरूद, नींबू, अंजीर और ताजी मछली के लिए भी जाना जाता है। समक नशी, इस व्यंजन में तोते की मछली को साफ किया जाता है, आधा में विभाजित किया जाता है, नमक से नहलाया जाता है और कम से कम एक सप्ताह के लिए मुद्रे सूखने के लिए छोड़ दिया जाता है। इसे अक्सर मैडूस, चावल और पीली दाल के मिश्रण के साथ परोसा जाता है। शोरबत हब, यह एक ऐसा भोजन है जो आमतौर पर रमजान के दौरान परोसा जाता है। यह गेहूं के दाने पर आधारित सूप है। परंपरागत रूप से टमाटर पर आधारित होने के बजाय विविधता भेड़ के दूध से बनाई जाती है। असीदा, गेहूं के आटे की एक लोई जिसे शहद और घी से ढककर खजूर, बाजरा या जई के साथ पकाया जाता है। अपने हाथ गंदे करने के लिए तैयार रहें। अरेबियन फूड, एक प्लेट पर मदीना। अपनी साधारण शुरुआत से भारी विकास के बावजूद मदीना ने एक नखलिस्तान शहर के रूप में अपनी पारंपरिक पहचान बरकरार रखी है। मदीना के व्यंजनों में खजूर, मसाले और प्रसिद्ध पुदीने की पत्तियां सभी स्थानीय स्तर पर उगाई जाती हैं। शहर का भोजन इन तत्वों को किसी न किसी रूप में विभिन्न प्रकार के व्यंजनों में शामिल करता है। निम्नलिखित कुछ अवश्य आजमाए जाने वाले स्थानीय स्वाद हैं। मेदिनी चावल, इसके उत्पादन में उपयोग की जाने वाली कई किशमिश और गाजर के कारण मेदिनी चावल का स्वाद कुछ मीठा होता है। इसे अक्सर ऊपर से रोटिसरी चिकन और किनारे पर डगस टमाटर सासा के साथ परोसा जाता है। तुरोम्बा, तुरोम्बा एक मिठाई है जो आमतौर पर मंडी या कप्सा जैसे भारी रात्रि भोज के बाद परोसी जाती है। अंदर से यह हल्का और आटादार है, फिर भी बाहर से यह कुरकुरा है। यह मिठाई एक कप गर्म चाय के साथ भी अच्छी लगती है। पुदीने के साथ लाल चाय, पुदीने के साथ लाल चाय अन्यत्र एक मानक प्रतीत हो सकती है, लेकिन यहाँ अंतर उपयोग किए गए पुदीने में है। मदीना की पुदीना की तीव्र सुगंध सर्वविदित है। शहर में आने वाले पर्यटक अक्सर बंडल वापस ले जाते हैं। चरखिया ताज़ा टोकरी पूर्वी प्रांत देश का सबसे महत्वपूर्ण है और इसकी विविधता की सराहना करने के सबसे स्वीकार्य तरीकों में से एक स्थानीय व्यंजनों का नमूना लेना है। इस विशाल प्रांत की सीमा कई राष्ट्रों से लगती है। यहाँ के लगभग हर पारंपरिक भोजन की उत्पत्ति उसके पाकला से मानी जा सकती है। यहाँ क्षेत्र के कुछ सबसे लोकप्रिय भोजन है। हस्सावी चावल, अल अहसा के विशाल नखलिस्तान में उगाया जाने वाला हस्सावी चावल चावल की सबसे महंगी किस्मों में से एक है। चावल अपने लाल पीले रंग से पहचाना जाता है और अत्यधिक गर्मी में उगता है। यह अपेक्षाकृत स्वास्थ्य वर्धक भी है, यही कारण है कि स्थानीय लोग इसके लिए थोड़ा अधिक भुगतान करने को तैयार है। बालालीट, बालालीट सेम्बई से बना एक क्लासिक भोजन है जो उबले हुए हसावी चावल के साथ अच्छा लगता है। इसे मीठा, चीनी, इलायची और गुलाब जल के साथ परोसा जाता है या नमकीन, तले हुए प्याज और आलू के साथ ऊपर से तले हुए प्याज के साथ परोसा जाता है। अफोसा, यह साम्राज्य दुनिया में कुछ सबसे उल्लेखनीय खजूरों के उत्पादन के लिए प्रसिद्ध है और अफोसा नरम खजूरों को मैश करके पेस्ट बनाकर तैयार किया जाने वाला एक व्यंजन है। इसे समझाने का सबसे सरल तरीका यह है कि यह एक हलवे की तरह है जिसे खजूर की मिठास से भर दिया गया है। अगर आपको यह वीडियो पसंद आया तो लाइक करें, कमेंट करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। धन्यवाद। हम जल्द ही फिर मिलेंगे अगली यात्रा में।